हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ब्रो का चैनल ब्लॉगर सत्यम गुप्ता। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिटेल्स में यामाहा FZX के बारे में। तो इस बाइक का फ्रेंड्स मैंने डिटेल रिव्यू कर दिया है, राइड रिव्यू वगैरह जितना भी था वो सब मैंने कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो उन सभी में फ्रेंड्स आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस किया है, कमेंट्स में भी पूछा है और पर्सनली मुझे इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी क्वेश्चंस आया है इस बाइक के रिलेटेड। तो आज के इस वीडियो में आपकी सभी डाउट जो है वो क्लियर करने वाला हूँ मैं। इसमें फ्रेंड्स आपको इसका प्राइसिंग बताऊंगा ऑन रोड और एक शोरूम, ताकि आप डायरेक्टली जाकर बाइक को जो है वो शोरूम से परचेस कर पाएँ, कितने वेरियंट्स मिल जाते हैं। और फ्रेंड्स इसमें मैं आपको सीट हाइट वगैरह भी बताने वाला हूँ कि क्या कुछ आपकी मिनिमम सीट हाइट जो है वो रहनी चाहिए, मतलब आपकी हाइट रहनी चाहिए ताकि आप इस बाइक को राइड कर पाएँ। माइलेज क्या देखने को मिलता है इस बाइक में आपको सिटी में और हाईवेज में, मैं दोनों ही आपको बताऊंगा। और फ्रेंड्स इसमें कंपनी ने ऐसे क्या क्या फीचर्स आपको ऑफर किया है जो कि अभी तक आपको यामाहा की और किसी बाइक में देखने को नहीं मिल रहा था, वो सब मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो आपकी जितने भी डाउट्स इस बाइक से रिलेटेड वो सब इस वीडियो में क्लियर होने वाली है। काफ़ी डिटेल्ड वीडियो ये रहने वाला है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दें, ताकि कोई भी आपकी बाइक अपडेट्स और इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है वो मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बाइक में आपको टोटल कितने वेरिएंट्स मिलते हैं। तो इसमें कंपनी ने अभी दो वेरिएंट्स लॉन्च किया है। पहला जो बेसिक वेरिएंट है उसका नाम कंपनी ने रखा है स्टैंडर्ड वेरिएंट, जिसका कि एक शोरूम प्राइस है 1,16,800 रुपीज़। अगर बात करते हैं ऑन रोड का, तो ऑन रोड ये लगभग में फ्रेंड्स आपको 1,35,000 से 1,38,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स में देखने को मिलेगा। तो ऑन रोड जो प्राइसिंग है फ्रेंड्स वो थोड़ा सा वैरी कर सकता है आपके एरिया में, क्योंकि आपके एरिया में जो RTO और इंश्योरेंस के चार्जेस होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है वो प्राइसिंग में डिफरेंस देखने को मिल सकता है। बट अप्रॉक्स में आपको यही प्राइस देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं इसका जो टॉप वेरियंट आता है उसके बारे में, उसका नाम फ्रेंड्स कंपनी ने रखा है ब्लूटूथ वेरियंट, जिसमें कि आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह देखने को मिलता है, वो सब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इसके प्राइसिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो प्राइसिंग है वो आपको लगभग 1,19,800 रुपीज़ के अप्रॉक्स में मिलता है एक शोरूम। और ऑन रोड की बात करते हैं तो ऑन रोड फ्रेंड्स आपको लगभग में 1,37,000 से 1,40,000 रुपीज़ तक जाएगा ये जो मॉडल है ये। तो यहाँ पे अगर हम बेसिकली प्राइसिंग डिफरेंस की बात करते हैं तो लगभग में आपको 3,000 से 4,000 रुपीज़ का प्राइस में जो है वो डिफरेंस देखने को मिलेगा दोनों वेरियंट्स में। तो मेरा सजेशन फ्रेंड्स यहाँ पे ये रहेगा कि आप इसका ब्लूटूथ मॉडल जो आता है आप उसके साथ जाएं, क्योंकि इसमें कंपनी ने काफ़ी फीचर्स जो है वो ऑफर किया है। आपको लगभग में 3,000 से 4,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स में जो है वो एक्स्ट्रा स्पेंड करना पड़ेगा, बट उसमें आपको फीचर्स काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है जो कि अपने प्राइसिंग को जस्टिफाई कर देता है। तो ये हो गया फ्रेंड्स इसके फीचर्स वगैरह की बात और प्राइसिंग की बात। अगर हम बात कर लेते हैं इंजन वगैरह के बारे में तो वो सब मैंने आपको बता दिया है। इसमें सेम इंजन आपको मिलता है, 149cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है जो कि BS6 कंप्लायंट फ्यूल इंजेक्शन के साथ आता है, जिसका कि पावर फिगर्स है 12.2 BHP का और टॉर्क है 13.3 Nm का। और इसमें 5-speed गियरबॉक्स का सेटअप आपको देखने को मिलता है। इसमें किसी भी तरह का कोई आपको लिक्विड कूलिंग और ऑयल कूलिंग देखने को नहीं मिलता है, एयर कूल्ड इंजन के साथ ये आता है जो कि बेसिकली आपको FZS में देखने को मिल रहा था, वही इंजन है सेम टू सेम। तो अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स जो सबसे मेन जो क्वेश्चंस आप लोग पूछ रहे थे सीट हाइट के रिगार्डिंग। तो इसका जो सीट हाइट है वो है 810 mm का। तो इसका जो सीट हाइट आप बोल सकते हैं कि MT15 के ही अप्रॉक्स में है, बट इसका जो सीट है वो थोड़ा उससे ज़्यादा वाइड है, मतलब चौड़ा थोड़ा ज़्यादा है, जैसे कि आप वीडियोस में देख भी पा रहे होंगे। तो अगर हम बात करते हैं आपकी जो बेसिक हाइट है, मतलब जो मिनिमम हाइट है, वो अगर 5'5" से लेकर 5'9" के बीच में है तो आप काफ़ी इजीली इस बाइक को जो है वो मैनेज कर पाएंगे, आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत फेस नहीं करना पड़ेगा। बट अगर उससे कम अगर आपका है हाइट, जैसे 5'5" से कम है, तो आप पहले फ्रेंड्स इस बाइक का जो है वो टेस्ट राइड ले लें एक बार डिटेल्स में जाकर, मतलब थोड़े ऑफ रोडिंग वाले एरिया में आप टेस्ट राइड ले सकते हैं, जहाँ पर फ्रेंड्स कि आपको पैर का जो है वो ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। तो आपको ज़्यादा अच्छा से आइडिया लग पाएगा कि मतलब आपको चलाने में कोई दिक्कत हो रहा है या नहीं। आप हाईवेज पर जो है वो टेस्ट राइड लेने की कम कोशिश करें, वहाँ पे भी चला के देख ले, बट थोड़ा सा आप ऑफ रोडिंग में भी चला कर एक बार देख ले, जिससे कि अच्छे से आपको आइडिया हो पाए। तो सीट हाइट का जो डाउट्स है वो मैं होप करता हूँ आपका क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इसके माइलेज के रिगार्डिंग, क्योंकि माइलेज के रिगार्डिंग भी काफ़ी लोगों ने क्वेश्चंस पूछा है इस बाइक का। तो इस बाइक का जो माइलेज है फ्रेंड्स वो आपको लगभग में आपका सिटी में अगर हम बात करते हैं तो 40 से 42 के अप्रॉक्स में देखने को मिलेगा, 45 तक भी आपको मिल सकता है। वो आपकी राइडिंग स्टाइल पे भी डिपेंड करता है फ्रेंड्स, आपने किस हिसाब से बाइक को राइड किया है, कौन से स्पीड में राइड किया है, बाइक को कितना आपने मेंटेन रखा है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो अप्रॉक्स में आप मान सकते हैं कि सिटी में आपको 40 से 45 के अप्रॉक्स में माइलेज देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं हाईवेज पर, तो हाईवेज पर फ्रेंड्स ये आपको इजीली 45 से 50 के बीच में माइलेज डिलीवर कर देगा। तो माइलेज देखा जाए फ्रेंड्स तो 150cc सेगमेंट के हिसाब से आपको ये सेम ही माइलेज ऑफर करेगा जो कि आपको FZS ऑफर कर रहा था, क्योंकि इंजन सेम है और वेट में भी यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि लगभग में 2 या 3 kg ही उससे हैवियर है।
तो ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, मतलब माइलेज आपको लगभग में यही मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इसके ऐसे फीचर्स के बारे में फ्रेंड्स, जो कि आपको डिटेल्स में बताना काफ़ी ज़रूरी है, जो कि फ्रेंड्स काफ़ी लोगों ने भी नहीं बताया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके बॉडी के बारे में। तो इसका जो बॉडी है आप जो कि अभी देख रहे हैं ऑरेंज में, इसका जो पैनल्स वगैरह जितना भी आपको दिख रहा है, साइड में जो इसका फेक रेडिएटर टाइप का जो पार्ट दिया गया है वो सब जितना भी है सब फ्रेंड्स आपको मेटल का मिलता है। फ्रंट का जो फेंडर है वो भी आपको मेटल में मिलता है। तो मेटल का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कंपनी ने यूज़ किया है, इसीलिए थोड़ा सा इसका जो वेट है वो भी आपको ज़्यादा मिलता है FZS के कंपेरिजन में। और उसके कंपैरिजन में ये काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल भी है, क्योंकि कंपनी ने जो है स्पेशली फ्रेंड्स इसे मतलब टूरिंग पर्पस को ध्यान में रखते हुए, लॉन्ग राइड्स को ध्यान में रखते हुए बनाया है। तो उसके पर्पस से अगर आप देखते हैं फ्रेंड्स, तो मेटल का बॉडी मिल रहा है तो काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है, मतलब काफ़ी एक अच्छा लॉन्ग लास्टिंग बॉडी कंपनी इसमें आपको प्रोवाइड कर रही है, जिससे कि फ्यूचर में आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा इस बाइक में, जो कि काफ़ी अच्छा बात हो जाता है। अगर हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस बाइक में वो है फ्रेंड्स, इसमें कंपनी आपको 12 वोल्ट का जो है वो चार्जिंग सॉकेट भी प्रोवाइड करती है जस्ट मीटर के नीचे। तो आप जो कार वाला जो चार्जर होता है उसके थ्रू आप डायरेक्टली अपनी फ़ोन को जो है वो चार्ज कर पाएंगे, आपको किसी भी तरह का कोई एक्सटर्नल चार्जर वगैरह लगाने का ज़रूरत नहीं है, जो कि एक काफ़ी प्लस पॉइंट है काफ़ी लोगों को बाइक लेने के बाद, मतलब स्पेशली लॉन्ग राइड्स पर अगर आप जा रहे हैं तो आपको चार्जिंग वगैरह का प्रॉब्लम होता है फ़ोन का, जो कि कंपनी ने यहाँ पे काफ़ी ध्यान दिया है उस बात को। और इसमें कंपनी ने आपको जो है वो 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट भी प्रोवाइड किया है, जो कि ज़्यादातर आपको कार वगैरह में देखने को मिलता था, बट ये भी फ्रेंड्स आप बोल सकते हैं कंपनी ने काफ़ी अच्छा यहाँ पर डिसीजन लिया है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट फीचर का, तो वो रहने वाला है फ्रेंड्स, इसमें कंपनी आपको जो है वो कनेक्टिविटी फीचर प्रोवाइड करती है मीटर कंसोल में, इसके टॉप वेरिएंट में, जिसमें कि आपको कॉल अलर्ट्स देखने को मिल जाता है, मैसेजर अलर्ट देखने को मिल जाता है, नेविगेशन का फीचर मिल जाता है। तो काफ़ी फीचर्स कंपनी आपको इसमें प्रोवाइड कर रही है, अगर आप लॉन्ग राइड्स वगैरह पे जा रहे हैं तो आप नेविगेट कर पाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छा बात है, आपको फ़ोन वगैरह की ज़रूरत नहीं है, निकालना पड़ता है, फ़ोन होल्डर वगैरह लगाना पड़ता है, नेविगेशन में काफ़ी ज़्यादा इशूज़ आता है, तो वो सब प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं मिलेगा, आप डायरेक्ट मीटर कंसोल में ही नेविगेट कर पाएंगे, जो कि एक काफ़ी फ्यूचर प्रूफ बनाता है इस बाइक को। तो अगर आप स्पेशली लॉन्ग राइड्स के लिए सोच रहे हैं तो आप इस बाइक को ज़रूर से आप मतलब कंसिडर कर सकते हैं, काफ़ी फीचर्स कंपनी ने इसमें प्रोवाइड किया है। अगर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस बाइक में, वो है फ्रेंड्स इसका टायर्स। इसका टायर्स जो है वो फ्रेंड्स आपको ऑफ रोडिंग टाइप के टायर्स मिलते हैं ब्लॉक पैटर्न वाले, जिससे कि आप डायरेक्टली मतलब आप सिटी कम्यूटिंग भी कर सकते हैं और आप ऑफ रोडिंग में भी लेकर जा सकते हैं, टायर स्किड करने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, काफ़ी ग्रिप मिलता है उन टायर्स से आपको इसमें। और इसका जो रेयर का टायर है फ्रेंड्स, वो आपको कंपनी 140 सेक्शन का टायर प्रोवाइड कर रही है। तो फ्रेंड्स 140 सेक्शन का रेडियल टायर जो है ये आपको काफ़ी अच्छा ग्रिप प्रोवाइड करता है वेट सर्फेसेस पर, मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप कभी बारिश वगैरह में भी अगर आप राइड कर रहे हैं तो टायर वगैरह जो स्किड करने का चांसेस है वो काफ़ी कम हो जाता है। ब्रेकिंग में कंपनी ने यहाँ पे सिंगल चैनल ABS ही प्रोवाइड किया है, अगर कंपनी इसमें डुअल चैनल ABS प्रोवाइड करती तो फिर प्राइसिंग जो है वो काफ़ी हायर साइड पर जा सकता था, इसीलिए कंपनी ने यहाँ पे फ्रेंड्स आपको सिंगल चैनल ABS ही प्रोवाइड किया है। अगर हम बात करते हैं इसके कुछ कॉन्स के बारे में, क्योंकि फ्रेंड्स वो भी बताना थोड़ा ज़रूरी है, हो सकता है वो आपके लिए मैटर ना करे बट फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके मीटर कंसोल में कंपनी ने आपको काफ़ी फीचर्स दिया है, बट एक जो बेसिक फीचर होता है गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर का, वो आपको देखने को नहीं मिलता है इसमें, जो कि फ्रेंड्स अगर कंपनी इसमें ऐड कर देती तो और भी ईजी हो जाता राइडिंग के टाइम पर। और देखा जाए तो अभी लगभग आपको 125cc सेगमेंट की भी बाइक्स में गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर मिल रहा है, तो कंपनी को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए था, इसमें ऐड करना चाहिए था। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्स का, तो वो है थोड़ा सा फ्रेंड्स इसमें जो है मुझे पावर थोड़ा सा कम फील हुआ, मतलब पावर इन द सेंस जब आप इस बाइक को हायर स्पीड्स पर लेकर जाते हैं, जैसे 100 अगर आप क्रॉस करते हैं तो थोड़ा सा जो इंजन है फ्रेंड्स वो आपको स्ट्रेस्ड आउट फील होगा, मतलब एक इंजन का जो नॉइज़ है साउंड है वो बढ़ जाता है, तो थोड़ा सा आपको वहाँ पे एक लगेगा कि पावर और रहता है इस बाइक में तो अच्छा होता। बट जिस हिसाब से फ्रेंड्स इसके आइडियल क्रूजिंग स्पीड की अगर हम बात करते हैं, तो लगभग मैं आपको 70-80 के बीच में अगर आप क्रूज़ करते हैं इस बाइक से तो काफ़ी अच्छा ही आपको परफॉर्मेंस डिलीवर करेगा। तो ये हो गया फ्रेंड्स कुछ कॉन्स का बात। अगर हम बात कर लेते हैं कुछ और फीचर्स के बारे में, तो कंपनी ने इसमें फ्रेंड्स आपको फोक प्रोटेक्टर्स भी प्रोवाइड किया है, जो कि फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोक्स मिलता है, उसे प्रोटेक्ट करता है धूल वगैरह मड वगैरह से, जो कि फ्रेंड्स आपका जो मतलब फ्रंट का शॉकर है उसे डैमेज कर सकता है ऑफ रोडिंग के टाइम पर, तो कंपनी ने उसे भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आपको उसमें मतलब फ्रंट में फोक्स प्रोवाइड किया है, प्रोटेक्टर प्रोवाइड किया है, जो कि काफ़ी अच्छा बात हो जाता है। और फ्रेंड्स इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी रेट्रो डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है, राउंड शेप में इसमें LED लाइट्स मिल जाता है, प्रोजेक्टर लाइट भी आपको मिलता है इसमें, तो डिज़ाइन भी काफ़ी हद तक आप बोल सकते हैं कि रेट्रो क्लासिक बाइक ये लगती है, मतलब रेट्रो एडवेंचर बाइक भी आप बोल सकते हैं, कुछ इसी टाइप का लुक कंपनी ने यहाँ पे दिया है। तो यही था फ्रेंड्स इस बाइक का जितना भी डाउट्स था, मैंने आपका जितना भी क्वेश्चन था वो सब इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना है तो फ्रेंड्स नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर ले, मैं वहाँ पे बाइक अपडेट्स पोस्ट करते रहता हूँ, वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।